कोरोना त्रासदी को ले जहां देश भर के मंदिरों में ताला लटक गया है, सार्वजनिक पूजा पाठ भी पूरी तरह से बंद हो गया। वहीं अब जो फूल कभी भगवान के चढ़ाव में शोभा बनते थे, अब खेतों में ही सूखने के कगार पर पहुंच गए हैं। भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड के सकरडी गांव में वर्षों से लोग फूलों की खेती करते आ रहे हैं। इनके खेतों से ये फूल बिहार के कई इलाकों में सप्लाई की जाती रही है। फूलों की खेती से इन किसानों को अच्छी आमदनी हो जाती थी, मगर आज जहां पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, सभी मंदिरों में ताला लगा है और सार्वजनिक पूजा पाठ भी सरकार के द्वारा बंद करवाया गया है, क्योंकि देश में लगातार कोरोना संक्रमण की तादाद बढ़ते नजर आ रही है। इस कारण से इन किसानों के गेंदे के फूल अब खेतों में ही सूखने की स्थिति में पहुंच गया है। अब इन किसानों को अपने पेट की चिंता सताने लगी है, क्योंकि इनकी जीविका फूलों से ही चलती थी। अब सवाल ये उठता है कि ये किसान अब अपनी जीविका कैसे चलाएंगे। आपके खेत में मुरझा रहे हैं, कितने परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हमारे खेत में सब फूल सूख रही है और हम लोगों को इसी से जीविकोपार्जन चल रहा था घर का, और बहुत कठिनाई हो रही है। ऐसे में घर की स्थिति क्या है? बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। फूल नहीं बेच पा रहे हैं? नहीं बेच पा रहे हैं हम लोग, इधर उधर जाने पर मार रहे हैं प्रशासन। क्या नाम है? अविनाश कुमार। लॉकडाउन होने के वजह से जो हम लोग इस समय फूल में खर्चा करके जो पैसा कमाते थे, अभी हम लोगों को मतलब कुछ भी आमदनी नहीं हुआ, फूल बहुत लॉस हुआ। इसमें करीब हम लोग बहुत पैसा कमा लेते थे खाने पीने में, लेकिन इस वक्त तक खाने का भी कोई उपाय नहीं हो रहा है। हम लोग यहीं बेरोजगार करते हैं, फूल के फूल ही हम लोगों का सब चीज़ है। हम लोग फूल नहीं करेंगे तो नहीं खा पाएंगे। फूल से बहुत लॉस करते हैं सरकार से। हम तो उम्मीद करेंगे सरकार से कि हम लोगों को जो लॉस हुआ है उसका कुछ दिया जाए मुआवजा, और आगे से ऐसा हम लोग तो नियम पालन कर ही रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग खेत में कितना फूल सूखा है। अगर आज लॉकडाउन नहीं रहता तो हम लोग बहुत रुपया कमाए रहते हैं, अच्छा से खा पाते हैं, अच्छा से रहते हैं, लेकिन हम लोग को बहुत दिक्कत हुई। नाम बताइए। नाम हुआ शंकर कुमार भगत।